इनको सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लगता, क्या लगता? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब एग्जांपल देता हूं फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? मस्त मस्त टॉपिक हमारा। बात एग्जाम रूम की है, लास्ट के सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं और तुम्हारी नजर इन्विजिलेटर पे है कि कहां कब ये दरवाजे के बाहर पैर रखे और कब हमारा कल्याण हो। तो यू आर वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट कि वो कब बाहर पैर रखे और तभी तुम्हारी नजर उनके ऊपर है। नजर जैसे ही वो हटे, जैसे ही वो बाहर हटे, एक पैर डाला बाहर, लगे तुमने हाँ, तो बोले हाँ, तो लगेज सामने वाला भी तुमको बता रहा है कि 2.5 हाँ, तो अच्छा 2.5 है, हाँ ठीक है 7x8 ओके 7x8 थैंक यू बड़ा बड़ा पॉपिक्स। तो ये ऐसे डीलिंग चल रहे और उसके बीच में मान लो वो इन्विजिलेटर फिर से अंदर आया तो तुमको लगेज क्या करना पड़ता है? लगेज बंद करना पड़ता है। तो तुम्हारे कान बहुत सतर्क रहते हैं, दरवाजा का आवाज आया कि यू स्टॉप आस्किंग योर फ्रेंड। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर साइमल्टेनियसली यूजिंग योर आईज टू कीप वॉच ऑन द इन्विजिलेटर, आंखों के थ्रू आप आवाज के ऊपर भी फोकस कर रहे हो साइमल्टेनियसली कि वो दरवाजे का आवाज आए तो हम रुक जाएं क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। देन साइमल्टेनियसली यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद योर आईज ऑन द पेपर एंड राइटिंग द आंसर, सामने वाले से भी आप आंसर ले रहे हो, साइमल्टेनियसली लिख रहे हो। नाउ ऑल दिस रिक्वायर्स नॉट जस्ट कंट्रोल बट कोऑर्डिनेशन आल्सो। कंट्रोल तो लगता ही है, मतलब आंखों का कंट्रोल, आप कहां देख रहे हो, ऐसा चलता क्या कि सामने देख रहे हो नीचे लिख रहे हो, ऐसा तो होता नहीं। इट रिक्वायर्स अ टोटल कंट्रोल राइट एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी लगता है, मतलब आंखों का, हाथ का, अपनी पूरे ईयर्स का, सबका एक तालमेल बैठना चाहिए। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो दिस ऑल दिस सिचुएशन रिक्वायर्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ दिस इज जस्ट वन एग्जांपल बट